हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेके आई हूँ जहाँ पर हम यू वर्सेस देम की एनर्जी देखेंगे। आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो आपसे बातें रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग्स अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो लेसी, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो आपको किस तरह से देखते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को किस तरह से देखते हैं, उनके लिए क्या फील करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। स्टार एंड फोर ऑफ वेंड्स, ओके। एस ऑफ वेंड्स, टू ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ वेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। बॉटम द डेक की एनर्जी सिक्स ऑफ वेंड्स की आ रही है। सभी राशियों के लिए रीडिंग है, सो डोंट वरी। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे राशियाँ क्या हैं। वैसे चारों एलिमेंट आते हैं तो चारों एलिमेंट की राशियाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड है वो चारों एलिमेंट को कवर करता है, ठीक है। जिनको नहीं पता सो मैंने बता दिया। सबसे पहले व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है, अगर मैं आपको लेके बात करूँ, काफ़ी इम्प्रेसिव एनर्जी है आपकी। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखो ये कुछ लोगों से बात रेजोनेट होगी, हर एक से नहीं हो सकती। आपके जो पर्सन है वो आपको एक बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है। सीक्रेटिव पर्सन, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत कुछ छुपाते हो, बहुत सारी बातें अपने मन में लेके चलते हो, शेयर नहीं करते हो, ऐसा नज़र आता है। और समवेयर दे हैव अ डाउट, जो उनको फील हो रहा है कि आप उनसे ये भी बात छुपा रहे हो कि आपके घर में आपकी शादी की बात चल रही है, या फिर आप शादी करने जा रहे हो किसी और व्यक्ति से, ऐसा कुछ यहाँ पे फील हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ चुका है। दे हैव अ डाउट ऑन यू, वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट यहाँ पर आया है। और मैंने बोला था ये हर एक से बात रेजोनेट नहीं होगी, कुछ लोगों से ही होगी, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था। इनको ऐसा लगता है कि या तो आप इस, अगर उनके साथ में शादी में हो तो इस शादी से खुश नहीं हो, ठीक है। आप दिखा रहे हो कि आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, लेके चल रहे हो, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप अगर उनके साथ में शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हो तो कहीं ना कहीं जस्ट आप एक जी रहे हो, आप खुश नहीं हो, आप उस तरह से नहीं हो जिस तरह से आपको होना चाहिए था, इसीलिए शायद आप उनसे कटे कटे रहते हो, या फिर आपके मन में पहले जैसे भाव नहीं है इस व्यक्ति को लेके। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो ये कुछ है। और ये कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा वाली एनर्जी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वाइस वर्सा वाली एनर्जी भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप ही अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो और हर वक्त उनकी उनके ऊपर नज़र रखते हो, हर वक्त उनकी जासूसी करने की कोशिश करते हो या चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपसे झूठ बोलता है, ठीक है। वो आपसे बातें छुपाती है या छुपाता है, और आप उन चीज़ों को जानने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हो, ऐसा कुछ यहाँ पे है। आपके दिमाग में हर वक्त ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हो, लेकिन जब जब आप उनके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हो आपके पर्सन आपसे भागते हैं, इस तरह के डिस्कशन करने से भागते हैं। और सेम ये वाइस वर्सा में भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब या तो आपके पर्सन ऐसा आपके लिए फील करते हैं या फिर आप उनके लिए ऐसा फील करते हो, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है एक दूसरे को लेके। आप लोगों के बीच में व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी, लेकिन हाँ, पहले की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, इन द पास्ट आपसे बेहतर व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए कोई और था भी नहीं। आपसे, आपके पर्सन ने अगर आपको प्रपोज़ किया कभी मैरिज के लिए, या फिर अभी उन्होंने अभी आपसे शादी की, ठीक है, तो आपको ऐसे ही नहीं उन्होंने अपनी लाइफ में ले आए। वो उनके लिए आप एक मास्टरपीस थे,
मैं आपको एक बता दूँ, और आज भी हो, कुछ लोग तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आज भी आप उसके व्यक्ति के लिए मास्टरपीस हो, एक ऐसा पीस। कहते ना कि इंसान कोहिनूर ही तलाशता है अपने लिए, ठीक है, वो जाएगा तो बेस्ट पे जाएगा, क्योंकि लाइफ का सवाल है भाई, लाइफ उसको किसी के साथ में बितानी है। तो ऐसा यहाँ पे है, जो नज़र भी आता है कि व्यक्ति जो है आपका, वो आपके साथ में जुड़ा ही इसलिए, या फिर आपको उसने चुना ही इसलिए क्योंकि आप उसको अपनी लाइफ के द बेस्ट पर्सन नज़र आए। और इस वजह से हो सकता है कि इस व्यक्ति ने किसी और को छोड़ा आपके लिए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है ज़्यादातर लोगों के लिए, कि जहाँ पर आपका जो पर्सन कह रहा है कि यार तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको पाने के लिए इन्होंने यानी किसी और को या तो डंप किया है या किसी और को डिच किया है, या फिर ये ऐसा करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा करने की यहाँ पे बात कह रहे हैं कि हाँ वो ये भी कह रहे हैं कि यार तुम अगर मिल जाओ तो वो ये भी कर जाएंगे, चाहे वो सही हो फिर ये गलत हो, वो मीन वो तरीका, चाहे वो सही हो या गलत हो लोगों की नज़रों में जैसा भी हो, बट वो इन चीज़ों को भी कर जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे कई सारे कंट्रोवर्शियल मैसेज हैं। देखो हर एक से हर एक बात रेजोनेट नहीं होगी, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन कार्ड जो होंगे वो हर एक की सिचुएशन बता देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पर आपका जो पर्सन है वो कुछ ऐसी भी बातें यहाँ पर आपके लिए कह रहा है कि हाँ वो कुछ ऐसा भी कर सकता है। सो आप उनके ऊपर डाउट ना करें कि यार ये व्यक्ति आपको वादे तो बहुत बड़े बड़े कर गया या कर गई, लेकिन करेगी कुछ नहीं, ये करेगा कुछ नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि वो कर जाएगा, वो आपके लिए कर सकता है, क्योंकि आपको उसने जो पाया है ना वो आपको ऐसे जाने नहीं देगा, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आया यहाँ पे। व्यूवर्स, आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, बड़ी अलग सी एनर्जी आई है जो दिखाती है कि आप इस कनेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर आप जो हैं वो एक स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। और ये स्ट्रगल है क्यों, ये स्ट्रगल तब आया है जब आपको ये फील हो रहा है कि आपका जो व्यक्ति है, आपका जो पर्सन है, वो आपके लिए लॉयल नहीं है, या फिर वो आपके ऊपर बिना फालतू का बेवजह डाउट करता है, ठीक है। आप उनको जस्टिफिकेशन देते देते थक गए हैं, और या फिर ये कहें कि आप उनको रोकते रोकते थक गए हैं, आप उनको उनके लिए बैरियर क्रिएट करते करते थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, या फिर ये कहें अपने कनेक्शन को बचाते बचाते आप यहाँ पे थक गए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक तरह का स्ट्रगल है जो यहाँ पे भरा हुआ सा नज़र आता है, और ये बहुत सारी वजहों से है, और लेकिन वो जुड़ा जो है वो अपने पर्सन की वजह से ही है, ऐसा यहाँ पर आता है कुछ लोगों के लिए। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी आप लोगों की तरफ से फील कर पा रही हूँ, जहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप या तो अपनी शादी को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको बचानी है, या फिर आप शादी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो इस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि आपने बहुत लंबा अरसा इस कनेक्शन को दिया है, अपनी लाइफ का दिया है, ठीक है, लेकिन अभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, ऐसी भी यहाँ पर हालात हैं। तो ये भी देखा जा सकता है कि ना तो आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही आप इस कनेक्शन में रुक पा रहे हो, ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, या फिर वो जो एफर्ट दिखाने की बात कर रहा है या कर रही है वो उतना नहीं लेगी, और सारा का सारा जो भार बोझ है वो इस कनेक्शन को लेके चलने का वो आपके ऊपर आ गया है। आपकी ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे आप बस कुछ भी करना चाहते हो, बस चीज़ें हो जाएं हैंडल, ठीक है। राइट नाउ आप क्या फील कर रहे हो कि सारा ज़माना एक तरफ, लोग एक तरफ हैं, और आप सिर्फ अकेले एक दूसरी तरफ खड़े हुए हो, ऐसा आपको फील होता है। आप कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, कुछ लोग तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कह रहे हो किसी ने आपको बताया कि यार ये व्यक्ति तेरे नसीब में नहीं है, किसी ने आपको बोला, अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या फिर ये बोला गया कि यार इससे तेरी शादी नहीं हो सकती, या फिर ये व्यक्ति तेरे साथ में नहीं रह सकता, या फिर हो सकता है आपके पर्सन ने ये बोला हो, लेकिन आप फाइट कर रहे हो अगेंस्ट द डेस्टिनी, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, आप कह रहे हो कि यार मैं हिम्मत नहीं हारूँगी या नहीं हारूँगा, आप ऐसा कुछ यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपकी जो एनर्जी ना व्यूवर्स, वो जैसे कहते हैं ना एक मूवी आई थी टाइम अगेंस्ट रेस की, तो आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो कि वॉर अगेंस्ट डेस्टिनी, आपने कुछ ऐसा यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे आप लोगों की तरफ से नज़र आ रहा है जहाँ पर आप लोग अपनी तरफ से हर वो संभव प्रयास कर रहे हो जहाँ पर जहाँ से चीज़ें बेहतर हो सकें, ठीक है। तो ये एक दूसरे को लेके आप लोगों का जो वे ऑफ लुकिंग है, या फिर इस कनेक्शन में जो ऐसी जैसी मूवमेंट्स है वो यहाँ पर नज़र आई हैं इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है वो आपको
और क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं आपके कनेक्शन के लिए। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को लेके और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ हमें बताएं। वी हैव द सोर्स, कंडीशनिंग, वी आर द वर्ल्ड एंड द पार्टिसिपेशन। देखो आपका जो पर्सन है वो आपसे ये कहना चाहता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी रिश्ता है वो ये रिश्ता एक बहुत ही स्ट्रांग है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर ये कहें व्यूवर्स कि वो इस कनेक्शन में कुछ, देखो ये दो तरह की एनर्जी जो मैं दोनों के लिए बता दूंगी, जो पहली वाली एनर्जी मैं आपको वो बताती हूँ, जहाँ पर आपका जो पर्सन है वो आज भी आप उनके दिल में हो, आप उसके साथ में वो रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहता है या क्रिएट करके रखना चाहता है या चाहती है, आप चाहे कनेक्शन किसी भी तरह का हो आपका, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ठीक है, या जैसी भी एनर्जी हो, या फिर सिर्फ एक कनेक्शन ही क्यों ना हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में सिर्फ एक कनेक्शन में हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो ये व्यक्ति आपको इतना ज़्यादा चाहता है या चाहता है, किसी वजह से ये व्यक्ति व्यूअर्स इस कनेक्शन में उस तरह से आपसे जुड़ नहीं पा रहा, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको वो चाह के भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, वो इतना कह रहा है कि वो सबके अगेंस्ट नहीं जा सकता, जैसे कह रहा है कि दुनिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, सोसाइटी के रूल्स को नहीं बदल सकता, ठीक है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो उनको लेके चलने ही होंगे, ठीक है, जिसमें वो बंधे हुए हैं, जिसमें वो कहते ना कि इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे हैं, कहते ना जिनको ब्रेक कर पाना इतना ईजी नहीं होता। आपका पर्सन यहाँ पे वही कह रहा है कि वो लोगों के साथ में बंधे हुए हैं, उनको उन चीज़ों को लेके चलना ही होगा, अब चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन सोसाइटी के जो समाज के जो नियम कायदे कानून हैं वो उसमें बंधा हुआ है, या फिर अपने परिवार में बंधा हुआ है, अपनी फैमिली की वजह से बंधा हुआ है, ठीक है। वो कुछ भी करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपका जो पर्सन है वो अपनी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो दिखा रहा है, जबकि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो मतलब अपने अंदर वो एनर्जी फील नहीं कर पा रहा, ऐसा कुछ यहाँ पे। लेकिन वो ऐसा भी नहीं चाहता कि वो आपसे कनेक्शन अपना एंड कर दे या फिर आप उससे दूर हो जाओ, वो दूर भी नहीं होना चाहता। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ना व्यूअर, चाहे जो भी आपका, लेकिन उसकी जो एक क्षमता है हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग की या फिर चीज़ों को साथ में एक वॉर लेके चलने की, वो यहाँ पे नहीं है। आप कह रहे हो कि आप दुनिया के अगेंस्ट जा सकते हो, आप सबके अगेंस्ट जा सकते हो, ठीक है, आप डेस्टिनी के अगेंस्ट जा सकते हो, लेकिन आपका जो पर्सन कह रहा है कि यार मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आई हैं जो निकल के आई हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया, समाज, सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, आपके पर्सन कह रहे हैं कि उनको फ़र्क पड़ता है, कुछ लोग के लिए ऐसा आया है, या फिर आप फ़र्क पड़ने लगा है, पहले नहीं पड़ता था, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पर आई है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर आपको धोखा देके किसी कनेक्शन में गया है तो ये वहाँ पे भी ट्रैप हो गया और वहाँ से निकल के आपके पास में दोबारा से नहीं आ पा रहा, जबकि आना चाहता है। थर्ड पार्टी में अगर ये व्यक्ति गए हैं तो वहाँ पर जाके ये फंस गए हैं, बहुत बुरे, जैसे कह रहे हैं चक्रव्यूह में फंस गए हैं, अभी वहाँ से निकलना चाह रहे हैं तो नहीं निकल पा रहे हैं, कोई सोल्यूशन इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसी एनर्जी में यहाँ पे हैं। अब थर्ड पार्टी ऑलरेडी पहले से बनी बनाई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी में फैमिली भी आती है, थर्ड पार्टी में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी आती है, ठीक है, कुछ लोग भी आते हैं, समाज भी आता है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हैं। और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, इनके जो पर्सन है डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड और, पॉलिटिक्स एंड द सिंजोफेनिया। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ में चीज़ें बेहतर नहीं की थी, अच्छे से लॉयल्टी इस कनेक्शन में नहीं निभाई थी, या उनकी इंटेंशन सिर्फ आपके साथ में कनेक्शन बनाने की थी, कनेक्शन को एक नाम देने की नहीं थी, ठीक है, तो जब से वो चीज़ें इनके आपके सामने आ गई हैं, इनका जो कह सकते हैं कि इनकी इंटेंशन जो आपके सामने आ गई है, तब से ये व्यक्ति व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि ये और ज़्यादा मुसीबत में फंस गए हैं, कि जब ये व्यक्ति इन चीज़ों को लेके जब था ही नहीं इसके मन में कि ये आपसे जुड़े, आपसे कनेक्ट हो,
तब तक तो सब कुछ चीज़ें अच्छी चलती रहीं, लेकिन जब ये इसने सोचा कि ये आपसे जुड़ेगा या जुड़ेगी, तभी चीज़ें इतनी बिगड़ गईं कि अब आप इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो इंटेंशन इनकी चेंज हुई, ऐसा नहीं है कि इंटेंशन इनकी चेंज नहीं हुई, लेकिन जब तक लॉयल्टी इनके मन में नहीं थी, आपको लेके ये सीरियस नहीं थे, तब तक तो रिलेशनशिप आप दोनों का ऐसा चल रहा था जैसे कि बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप इन पर ट्रस्ट करते थे, आप इनकी बातों पर ट्रस्ट करते थे, आप इनके साथ में अपना सब कुछ शेयर करते थे, लेकिन अभी आप हिचकिचा भी रहे हो यहाँ पर, ऐसा नज़र आ रहा है। या फिर आपके दिल में से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उस तरह से अब जगह अपनी नहीं बना पा रहा, अब ये व्यक्ति फंस गया है अपने ही एक्ट के अंदर, अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। ठीक है, अब जैसे हो जाते हैं सिचुएशन, कभी कभी इंसान ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, अब ना तो वो ट्रस्ट अब आपको ये कह पा रहा है कि यार तू मुझ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि वो ट्रस्ट आपका तोड़ चुका है, तो आप कैसे इनको सेकंड बार बोल सकते हो कि यार ठीक है मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ करता हूँ, क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूटता ना, ट्रस्ट जो होता है अनविजिबल डोर होती है, लेकिन अगर उस बस कहते हैं ना एक बार शक अगर मन में आ जाए तो फिर वो जाता नहीं थी आसानी से, वही आपके मन में बैठ गया है कि यार ये व्यक्ति ऐसा है तो शायद ऐसा ही रहेगा इन फ्यूचर भी, कैसे उसके ऊपर दोबारा से रिलाई कर ले। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं जहाँ पर आपके जो पर्सन अपनी इमेज को बदल नहीं पा रहे हैं आपकी नज़रों में, और इनको यही परेशानी और ज़्यादा हो रही है कि ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अगर कनेक्ट होना है आपसे तो आपको कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्टेंस के लिए ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इश्यूज़ भी यहाँ पे नज़र आते हैं आपके कनेक्शन के अंदर, जहाँ पर व्यक्ति खुद ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है जो आपके कनेक्शन में वो आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि यार कि ये खुद फंस गए हैं, अब आपको कैसे यकीन दिलाएं कि ये बदल रहे हैं या फिर बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनके कुछ मैसेजेस आए हैं। आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, अगर रही है तो इसे क्लेम करिएगा। और कुछ आपके लिए यहाँ पर उनके चैनल मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं इनको क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, डोंट गिव अप, आप अपनी तरफ से गिव अप मत करो, और वैसे भी आपकी जो एनर्जी आई थी वो ऐसी थी भी नहीं कि आप गिव अप करने वाले हो, लेकिन अगर आप गिव अप कर रहे हो तो मत करो, आपके पर्सन यहाँ पे ही कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं थोड़ा सा और है वक्त निकाल लो। आपके पर्सन का जो ईगो है, ईगोइस्टिक नेचर है, वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं बहुत ट्रिगर कर गया है। आपके पर्सन अपने ईगो को, अपने प्राइड को, जो भी है अगर ये नार्सिसिस्ट एनर्जी के हैं तो ये उसके लेकर अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अपने बारे में सोचे थे अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ वो जानते हैं कि अब आप इनके कनेक्शन में इनके लिए पहले जैसा महसूस नहीं करते हो। आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और आपके पर्सन ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी कुछ गलती हो जैसे ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़राब हो चुका है, इन्होंने बहुत कुछ ख़राब कर दिया है। तो ये एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए, अगर आपसे रीडिंग हेल्पफुल रही है, आपसे कनेक्ट हुई है, तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली व्यूवर्स आप चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थ्री रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर।